From there, look at father. Cut it. एक बार फटाक से करते ready rolling. मैडम ते अपन म्हणतो ना ठोका चुकला थांबला एकदम हाँ ready rolling. Turn. Look at father. Cut it. Okay. Very nice. पापा को बुला लो same shot. आइए ब्लॉक में ओवरलैप रहे थोड़ा सा उनसे ओवरलैप रहे अरे इतना इतना टेस्ट क्या ब्लॉक है ये ज़्यादा होगा बस ये रोलिंग एंड ये वहाँ पे आइएगा सर पीछे से पीछे सर पीछे जाइए सर इस वक्त पे आना सर नहीं 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 सर आइएगा सर और आगे सर आगे 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 बस जाते रुक जाते हो इसी में ये पैर ऐसे ही रख लीजिए ओके स्लोली टाइम गुड चलो ये सर एंड मैडम हाथ मैं बोलूंगा टिल्ट अप के लिए और आपको टर्न के लिए भी बोलूंगा पीछे मूव कर देना मूव पीछे फुलर फोरग्राउंडिंग हलचल एंड चंदा रोल धुआं रोलिंग एंड रोलिंग एक्शन एक सेकंड एक सेकंड तेरे वो घड़ी का वो देख धागा दिख रहा है स्लोली टर्न टुवर्ड्स हर चार्ज लुक एट ईच अदर फोरग्राउंड थोड़ा कम करो रे एंड लुक एट हर एंड कंटिन्यू हाँ जी बोलिए पवन एंड सो चेंज ओवर एंड एक्शन ओके सर दोनों का पहले स्टे आगे एक्शन ओके स्लोली टर्न आपस में लुक एक्सचेंज हाथ को देखा हाथ को पकड़ा हुआ देखा सर लुक एट हर बीच रास्ते में हाथ छोड़ के जाने के लिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ा है मैंने बड़ी जिद्दी हूँ बात कहने की मेहनत मत दीजिए आज माता रानी घर आ रही है उसके साथ आप दोनों भी मेरे घर चलिए लुक एक्सचेंज एंड कुछ ऑप्शन नहीं है एंड चलिए चले अरे थोड़ा झंडा ऊपर रखो अरे पूरा फेस कवर लुक अहेड शिफ्ट आगे डायलॉग
जैसे देखिए दिखाएगी वैसे ही दिन देखेंगे। घर छिट गया, बेटे ने धोखा दे दिया, यदि हकीकत अब इस परिस्थिति को झुटला के भाग तो नहीं सकते। पता नहीं ये जीना है या भुगतना, जो है सो बस यही है। सबसे पहले आपका नाम और जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं शो। हाय, मैं हूँ हेली शाह और मैं आशिका कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ओके, मैम बात करें आज के सीन की, तो आज के सीन का शूट का सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस ये है कि नवरात्रि का पहला दिन है, सब लोग माता रानी की मूर्ति घर में स्थापित करके ले जा रहे हैं, ढोल बज रहा है, नाच गाना हो रहा है, सब गुलाल उड़ रहा है, फूल उड़ रहे हैं। पैरेलली मैं विष्णु अंकल और प्रभांटी को उनके घर से अपने घर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के बीच में, उनके और उनके बेटे के बीच में बहस हो जाती है और उनका बेटा उनको कहता है कि मेरे घर से निकल जाइए, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो क्योंकि स्वाभिमानी है तो वो निकल जाते हैं और मैं उनको सहारा देकर उन्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ। ऐसा क्या होता है कि उनका बेटा उनका बेटा उनको धोखा देता है, पूरा पूरी उनकी प्रॉपर्टी है, पूरा घर है, जो भी है वो सब अपने नाम पर कर देता है। और ये बात विष्णु अंकल को ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो जो घर है उनका, आई थिंक उन्होंने अपनी मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर बनाया है, तो वो बात हुई। और दूसरी, उसके उनके बेटे ने उन्हें ये बताया कि उनके बेटे ने उन्हें ये बोला कि अब होते कौन है मुझे ये बोलने वाले, अब बहुत कुछ सुना दिया। सो आई थिंक कोई भी बाप होगा वो ऐसा कभी सुनना नहीं चाहेगा अपने बेटे के मुंह से। अच्छा, बात करें इस सीन की, पर्टिकुलर सीन की, तो इससे शो में मैम क्या ट्विस्ट होने वाला है? ट्विस्ट, सबसे पहला ट्विस्ट मतलब जो कंसेप्ट है हमारा कि एक लड़की पेरेंट्स अडॉप्ट करती है, उन्हें अपने घर लेकर आती है और अपने माँ बाप की तरह उन्हें रखती है अपने घर में, तो आई थिंक इससे यही ट्विस्ट आएगा कि आशी विष्णु अंकल और प्रभांती को अपने घर में लेकर आएगी एज हर पेरेंट्स। मैम आपके करेक्टर की बात करें तो मैम अपने करेक्टर को कितना एंजॉय कर रहे हैं? और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आशी कैरेक्टर ही बहुत ही लविंग, बबली, चेयरफुल है, तो हर टाइम एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है आशी के लिए। एंड आई थिंक मैं ऐसे प्राउड फील नहीं कर रही मतलब ऐसे, बट पूरे सेट पे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कोई है तो वो मैं हूँ। ओके, सो जस्ट आपका ये कैरेक्टर आपके रियल लाइफ से कुछ मैच करता है? थोड़ा सा करता है, थोड़ा सा नहीं करता है। आशी बहुत रेस्टलेस है, जो कि मैं हूँ, बहुत रेस्टलेस हूँ, पेशेंस नहीं है मुझ में, बिल्कुल नहीं। आशी बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ। आशी में एक खूबी है कि वो अपने इमोशंस सबके सामने कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेगी, वो रोएगी नहीं किसी के सामने, या मतलब वो अकेले जाके अपना पूरा सब निकाल देगी। मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं रो लेती हूँ। ओके मैम, बात करें आपके एक्टिंग करियर की, सो वाज इट फ्रॉम द बिगिनिंग आप एक्टर बनने वाले थे और इट हैपेंड जस्ट बाय चांस? इट हैपेंड जस्ट बाय चांस। फ्रैंकली मैं कभी भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, बट एक दिन मैं बॉम्बे में थी, मैंने इसे ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। फर्स्ट ही ऑडिशन था, स्टार प्लस का शो था, एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी कि फर्स्ट ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे माई लाइफ हैज़ टोटली चेंज्ड, एंड उसके बाद से एक्टिंग इज़ माई पैशन, आई वुड नेवर एवर लीव एक्टिंग इन माई लाइफ। ओके, सो कोई स्ट्रगलिंग मोमेंट की, कोई स्ट्रगलिंग डे से, कोई स्ट्रगलिंग मोमेंट? टचवुड मुझे कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मैं वापस, जब वो शो ऑफर गया मैं वापस अहमदाबाद गई, मेरी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि मेरा 10th था, 11th था, 12th था, और मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो इतना भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती, साइंस स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल ये वो मुझे बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता था। एंड सिर्फ ये कहूँगी मैंने मेहनत बहुत की है, मैं शूट पे जाती थी, अगर 6:30 का कॉल टाइम भी रहता था मैं सुबह 5 बजे अपने ट्यूशंस कंप्लीट करके जाती थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैं सब कुछ इतने अच्छे से साथ में कर सकती हूँ। फर्स्ट शो
मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था स्टार प्लस के लिए, गुलाल था उसमें, आई वाज द पैरेलल लीड, सेकंड लीड यू कैन से. ओके, एंड व्हाट हैपेंड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर एक्टिंग करियर? लाइक गुलाल वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जब मैं आई थी इस फील्ड में मुझे कुछ भी एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट ग्रेजुअली मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे मेरे फर्स्ट शो से, एंड उसके बाद से सब चेंज हो गया. पॉजिटिव मैसेज ऑडियंस को देना चाहेंगे? पॉजिटिव मैसेज सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए, हमेशा आशी की तरह रहिए और सबको खुश करते रहिए. ओके, फेस्टिव सीजन इज ऑन द ब्रेक, लाइक नवरात्रि, एक विशेस है ऑडियंस के साथ? मैं सबको यही विशेस देना चाहूँगी कि नवरात्रि के इस त्यौहार पे माता रानी आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिले और खूब इन्जॉय कीजिए. थैंक यू. Cool.